वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज के दिन में दोबारा से मैं माइनक्राफ्ट, और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग एक कासल कैसे बना सकते हो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि कासल का ट्यूटोरियल बनाओ, तो इसलिए आज मैं कासल का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना, आप लोग ले रहे हैं चिजल स्टोन ब्रिक्स, आप लोगों को ले लेना। और आप लोग क्या करना है, इसका आप लोग एक 20x20 का स्क्वायर बना लेना है। सबसे पहले इन ब्लॉक्स का 20x20 का स्क्वायर, तो जल्दी से 20x20 का स्क्वायर बना लेता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसको पूरा जोड़ देता हूँ। देखते हैं यहाँ पर 20x20 का स्क्वायर बन चुका है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, स्क्वायर बनाने के बाद आप लोगों को किसी भी एक कॉर्नर पे आ जाना है। कासल जैसे वाला कॉर्नर ब्लॉक, इस पे आने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को 5 ब्लॉक गिनने जैसे वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर ब्लॉक इसके अंदर तरीके से, मतलब कासल के अंदर जो हमने बनाया है ब्लॉक के अंदर, स्क्वायर के अंदर आप लोग यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है। 5-6 ब्लॉक पे ऐसे जैसे वाला है 1, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर एक ब्लॉक लगा दिया। दोबारा गिनना है इस वाले साइड से जैसा ये वाला कॉर्नर है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ब्लॉक से तस्वीर मैंने ये वाला ब्लॉक लगा दिया है। एंड आपस में इनको जोड़ देना कुछ इस तरीके से। आप लोग यहाँ पे 3x3 का बीच में स्पेस दिखेगा यहाँ पे, जब आप लोग ये बनाओगे तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सही बना है कि नहीं। यहाँ से 5 ब्लॉक्स यहाँ से और 5 ब्लॉक्स यहाँ से, एंड यहाँ से भी मैं कर देता हूँ सेम। यहाँ से है ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे ब्लॉक लग गया। एंड 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी हो गया। तो ये चारों साइडों से करने के बाद आप लोग क्या करना है, चारों साइडों से करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है, जितने भी साइडों से आप लोगों ने बनाया है इस तरफ आप लोग एक एक्स्ट्रा लेयर डाल देनी है। मतलब हर कॉर्नर से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लेयर डाल देनी है इस तरीके से। जैसा यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर डाल दी सिर्फ इसी साइड में, अभी मैं इसी साइड पर भी एक एक्स्ट्रा लेयर डाल देता हूँ। आगे की तरफ सिर्फ एक ही लेयर डालनी है, यहाँ से भी और इस तरीके से, यहाँ से भी और इस वाले में भी डालनी है। ऐसे एक्स्ट्रा लेयर डाल देंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से, और यहाँ से भी ये लेयर डल गई। एंड यहाँ से भी डाल देता हूँ जल्दी से, ये ऐसे और ऐसे। ओके, ये करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे आना है। पहले आप लोग यहाँ पे 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, उसमें आप लोग यहाँ पे बीच वाले जो ब्लॉक हमने पहले लगाए थे जो सीधी लाइन में जा रहे हैं, इनको तोड़ देना है। तो इनका आप लोग तोड़ देना है बीच वाले जो ब्लॉक्स हैं, और ये वाले जो है इनको भी तोड़ लेना है जल्दी से। जैसा ये बीच है इसको भी तोड़ लेना है। बस एक ही लेयर उनसे, क्योंकि यहाँ पर डबल लेयर हो गई थी जब हमने यहाँ पे लगाई है। ऐसा यहाँ पे भी डबल लेयर है, तो उसकी बीच वाली लेयर को तोड़ देता है इस तरीके से दोनों साइड की। ये वाली भी तोड़ दी है, एंड यहाँ से भी है ये बीच की जो भी लेयर लगाई थी हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डबल लेयर कर दी थी, हमें बीच की लेयर तोड़नी पड़ेगी। तो मैंने आप लोग देख पा रहे हैं मैंने सारी साइडों से तोड़ दी वाली लेयर। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स लेने हैं, स्टोन ब्रिक्स लेने हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, वाले चिदर स्टोन ब्रिक्स, और आप लोग को यहाँ पे इसके कॉर्नर पे आ जाना है। इनमें से किसी भी एक साइड पे कॉर्नर पे आके आप लोग क्या करना है, 7 ब्लॉक्स तक ऊपर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ब्लॉक्स यहाँ से, एंड 7 ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से, और 1 यहाँ से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से, और यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरीके से 7 ब्लॉक्स चले जाने हैं। उनके बाद इनको चारों को आपस में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक ब्लॉक कम हो गया सॉरी गलती से, और यहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे चारों को आपस में कनेक्ट कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे चारों कनेक्ट हो चुके हैं वाली लाइन है। अभी मैं यहाँ पे इन तीनों साइड से भी बस ये सेम करना है, मैं यहाँ पे 7 ब्लॉक्स ऊपर लेके जाके इनको कनेक्ट कर देना है इन तीनों साइड से। ओके, तो यहाँ पे चारों साइडों से इस तरीके से आप लोग को पिलर्स बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जितनी भी लाइन दिखाई देखो, यहाँ पे हमने जो लाइन की है इस तरीके से आप लोग को इसकी पूरी वॉल बना देनी है इस तरीके से। यहाँ पे जितनी भी आप लोग साइड दिख रही है, जैसे ये वाली साइड है और ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इधर पूरी यहाँ पे पिलर्स की हाइट तक आप लोगों को यहाँ पे एक वॉल खड़ी कर देनी है। तो
मैं यहाँ पे जल्दी से वॉल खाली कर लेता हूँ, क्योंकि तो अगर आप लोग तरीके से सारे सारे तो वॉल खड़े करने के बाद आप लोग क्या करना, देखो इसी हिसाब से मैंने सारी सारी सर्फेस तरीके से मैंने वॉल खड़े करी है। उसके बाद आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे पिलर के जो आप लोग यहाँ पे क्रिकेट आप देख पा रहे हो, आप लोग को इधर आ जाना है। देन आप लोग को यहाँ पे नीचे जो गैप इधर आप लोग को इस तरीके से ब्लॉक लगा देना है यहाँ पे ऐसे करके, मतलब यहाँ पे जो बीच में आप लोग यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे इधर भी है, इधर आप लोग इस तरीके से फ्लोर लगा देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, साइड साइड में इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दोनों साइडों से ये कौन से ब्लॉक से ये नेदर ब्रिक ब्लॉक आप लोगों को लगा देना है इस तरीके से। एंड उसके बाद इनको ऊपर तक ले जाना है कुछ इस टाइप से, यहाँ से भी ऊपर तक ले जाना है ऐसे, और इनको ऊपर जाके कनेक्ट कर देना है आपस में कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ से भी आप लोग इस तरीके से इसको ऊपर लेके जाना है, यहाँ से ऊपर आ गया, उसको यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट करवा देना है, एक विंडो टाइप बना रहे हैं इसकी। उसके बाद आप लोग चाहेंगे स्टोन ब्रिक स्टेयर्स, दो स्टोन ब्रिक स्टेयर नीचे सीधी इस तरीके से लगानी है एंड दो उल्टी करके इस तरीके से लगानी है, ऊपर उल्टी है नीचे सीधी है। उसके बाद आयरन बार्स चाहिए, बीच में जो गैप है इधर चार आयरन बार लगा देने हैं, एक इधर एक इधर एक इधर इस तरीके से। एंड यहाँ पर भी दो स्टोन स्टेयर्स एंड यहाँ पर भी यहाँ पर आयरन बार, यहाँ पर आयरन बार, और सारी साइडों से कर लेना है। क्योंकि तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सारी साइडों से विंडो बनाने के बाद इस तरीके से सारी साइडों से विंडो बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने इसकी रूफ़ बना लेनी है, इसकी पूरी की पूरी जितनी भी जगह है इसकी पूरी की पूरी रूफ़ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से रूफ़ कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर आप लोग इसकी रूफ़ कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमने जो पिलर्स खड़े किए थे उसकी भी रूफ मैंने बना ली, मैंने पूरी सारी रूफ बना दी है। उसके बाद आप लोग क्या करें, रूफ बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ जाना है, जो आप लोग का पिलर है इसके सारे कॉर्नर ब्लॉक पे आ जाना है इस तरीके से। आप लोग इधर एक ब्लॉक लगाना है इस तरीके से, यहाँ पर नहीं लगाना पिलर्स को तोड़ दें, आप लोग इसके कॉर्नर पर आना है। आप लोग यहाँ पर सिक्स हाइड तक ऊपर जाना है, मतलब यहाँ पर कॉर्नर पर आके 1 2 3 4 5 6 सिक्स ब्लॉक इधर से ऊपर जाने और दूसरे कॉर्नर से भी 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ से इसके दूसरे कॉर्नर से भी 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ से आप लोग यहाँ पे ब्लॉक देख पाओ यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे किधर आएगा पिलर, अगला पिलर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से भी सिक्स ब्लॉक ऊपर जाने हैं एंड इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है आपस में। जैसे हमने नीचे का पिलर बनाया था जी सेम वैसे ही, बस यहाँ पे ये सिक्स ब्लॉक्स का नीचे वाला सेम ब्लॉक्स का सिक्स ब्लॉक्स का है। तो अभी यहाँ पे ये वाला पिलर बन गया है सिक्स ब्लॉक्स का, इस तरीके से आप लोगों को ये तीनों भी बना देना। तो यहाँ पे ऊपर भी आप लोग यहाँ पे सेकंड फ्लोर के यहाँ पे चारों पिलर्स बनाने के बाद, इस तरीके से चारों पिलर बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, सेम नीचे वाला स्टेप करना है, सेम नीचे तरह से आप लोग इसकी विंडो बनानी है, अंदर से इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक लगा देना है, नेदर ब्रिक ब्लॉक इस तरीके से। एंड यहाँ पे इस तरीके से इसको ऊपर ले जाना है, यहाँ पे इसको साइडों से भी ऊपर से लगा देना है इस तरीके से, ऊपर से कवर करना है इस तरीके से। एंड उसके बाद नीचे दो स्टेयर सीधी लगानी है, ऊपर दो स्टेयर सीधी लगानी है, बस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आयरन बार सिर्फ दो ही लगा रहे हैं, नीचे चार लगा रहे थे यहाँ पे दो लगा रहे हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे सेम इधर से भी कर देना है, यहाँ से ये लगाए साइडों पर नदर भी ब्लॉक, ऊपर लेके गए यहाँ से इस तरीके से आगे की तरफ किया, नीचे दो सीधी लगाई स्टेयर्स, ऊपर से दो उल्टी लगाई, दो आयरन बार लगाए और एक विंडो डन हो गई। ऐसे आप लोग यहाँ पे इन तीनों प्लेयर्स पे भी विंडो बना देनी है। ओके तो यहाँ पे इसकी चारों साइडों से विंडो बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे चारों साइडों से नहीं चारों पिलर्स की हर साइड से विंडो बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग इसकी रूफ बना देनी है, जो आप लोग पिलर्स हैं इनकी रूफ बना देनी है जल्दी से। यहाँ पे पिलर्स की रूफ कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को चाहिए होंगे यहाँ पे ये स्टेयर्स, ये जो है क्या नाम है इनका, स्टोन ब्रिक स्टेयर्स, ये स्टोन ब्रिक स्टेयर्स चाहिए। आप लोग यहाँ पे जो विंडो के बीच में आप लोग ये देख पा रहे हैं, दोनों विंडोज के बीच में आप लोग यहाँ पे एक ब्लॉक दिख रहा है इस तरीके का, एक लेयर दिख रहा है आप लोग हर साइड पे, ये आप लोग इसके अंदर इस तरीके से उल्टी करके हर साइड से, मतलब यहाँ पे ये उल्टी स्टेयर आप लोग यहाँ पे हर साइड से लगा देने, ये गलत लग गई ऐसे नहीं लगानी आपको, मतलब पूरे के पूरे हर चारों कोने से लगा देनी है, चारों जगह से लगा देनी है, हर साइड से, मतलब पूरे कासल पे इस वाली लेयर पे आप लोग इस तरीके से लगा देनी है सारी सारी स्टेयर्स, लेकिन उल्टी करके जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, उनका मतलब फेस जो है नीचे की तरफ हो, सारी सारी साइड से लगा देनी है। तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे ये
जो आप लोगों ने स्टोन ब्रिक स्टेयर्स लगाने के बाद आप लोग क्या करना, सारी साइडों से इस तरीके से लगाई है। देखो मैंने इस तरीके से आप लोगों को लगानी है। यहाँ पे सारी साइडों से लगाने के बाद आप लोग क्या करना है, जो आप लोग स्टोन ब्रिक स्टेयर्स है इसके नीचे वाले ब्लॉक पे आप लोग इस तरीके से नहीं, जितने भी यहाँ पे ये दिख रहे हैं आप लोग स्टेयर्स, इसके नीचे आप लोगों को ये नदर ब्रिक ब्लॉक लगा देने हैं। मतलब हर साइड से जिस तरीके से आपने स्टेयर लगाई है, मतलब इसकी हर साइड से आप लोगों को यहाँ पे लगा देने, इसके नीचे जितनी भी स्टेयर्स हैं इसके नीचे आप लोग इस तरीके से ये नेदर ब्रिक ब्लॉक लगा देने हैं। हर साइड से जितनी भी आप लोगों ने स्टेयर्स लगाई हैं उतने आप लोग यहाँ पे ये नेदर ब्रिक ब्लॉक्स लगा देने हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक्स लगा लेता हूँ। वो कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नेदर ब्रिक ब्लॉक के नीचे जो लेयर लगा दी, उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे ऊपर आना है। आप लोग यहाँ पे जितने भी ये देख पा रहे पिलर्स, इसके हर एक साइड पे आप लोग यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करते हुए स्टेयर्स लगा दी है। बट इसके यहाँ पे इधर नहीं लगानी है, बाकी आप लोग यहाँ पे इन चार पिलर पे इस तरीके से ऊपर की साइड पे उल्टी स्टोन ब्रिक स्टेयर्स लगा देनी है। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, ये इस तरीके से उल्टी है बिल्कुल, इसी तरीके से यहाँ पे इन तीनों पे भी मैं लगा देता हूँ जल्दी से, और आपको भी लगा लेनी है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इन सारी साइडों से जितने भी पिलर हैं इनके सारे साइडों से आप लोगों ने उल्टी स्टेयर्स लगा लिए हैं। इसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे ऊपर आ जाना है जो आप लोगों ने लगाए हैं स्टेयर्स, और आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो पिलर्स हैं इनके यहाँ पे जो कोने देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दो इस तरीके से यहाँ पे हर कोने पे दो दो इंच इधर कब्रस्टोन लगा देने इस तरीके से। जैसे वाला कोना है, ये वाला कोना है, एंड यहाँ पे ये भी दो कोने हैं, इन दो कोनों पे लगा दिया, ये कोना है दो ब्लॉक्स पे लगा दिया, ये दो कोने हैं दो ब्लॉक्स पे, ये है इन पे भी और इन पे भी लगा देता हूँ। जैसे ये है और ये कोना है, ये भी है और यहाँ पे भी दो कोने ब्लॉक्स हैं, इस पे भी लगा देता हूँ, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, कुछ इस टाइप से सारी साइडों से लगा देना है। इसके बाद आप लोग क्या चाहिए, आप लोग चाहिए स्टोन ब्रिक स्टेयर्स, आप लोग क्या करना है इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले नीचे आ जाना है, जो आप लोगों ने ब्लॉक लगा है इसके नीचे ब्लॉक से इस तरीके से आप लोगों को स्टेयर्स लगा देनी है, एंड दूसरी साइड से भी इस तरीके से स्टेयर्स लगा देनी है। उसके बाद आप लोगों को जो ब्लॉक लगाया है कॉर्नर पर इसके ऊपर भी स्टेयर लगा देनी है, एंड इसके ऊपर भी स्टेयर्स लगा देनी है कुछ इस टाइप से। अगर तो जैसे स्टेयर आप लोगों ने इस साइड पे लगाई, मतलब एक ब्लॉक लगा के ऐसे दो इधर ऐसा, यहाँ पे भी है एक ब्लॉक इस पीछे लगा दी, इधर एक इधर लगा दी, एक इस साइड ब्लॉक के ऊपर लगा दी और एक उस वाले ब्लॉक के ऊपर लगा दी कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे ऐसे एक, यहाँ पे ऐसे एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, और यहाँ से भी सेम ऐसे ही, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से। उसके बाद बीच में जो दो ब्लॉक्स के आप लोगों को गैप दिख रहे हैं, इधर आप लोग ये लगा देने स्मूथ स्टोन स्लैब, जैसा यहाँ पे भी दो ब्लॉक का गैप है, यहाँ पे भी दो ब्लॉक का गैप है और यहाँ पे भी दो ब्लॉक का गैप है, इस तरीके से यहाँ पे स्मूथ स्टोन स्लैब लगा दिए हैं। एंड आप लोग यहाँ पे तीनों पिलर्स पे कर देना है, तो यहाँ पे चार पिलर्स पे इस तरीके से आप लोग को ये वाला डिज़ाइन बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, ये वाला डिज़ाइन है ये बनाने के बाद क्या करना है आप लोग, यहाँ से आप लोगों को चाहिए होंगे यहाँ पे ये वाली जो वॉल होती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नेदर ब्रिक वॉल चाहिए आप लोगों को। और आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोगों को कॉर्नर दिख रहे हैं इधर, आप लोग इस तरीके से क्या करना है, जो कॉर्नर है इधर आप लोगों को दो स्मूथ स्टोन स्लैब लगाने हैं, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर ये लगा देना है, ये वाला सीधा ब्लॉक इसके ऊपर यहाँ पे लगा देना है, क्या बोलते हैं इसको, नेदर ब्रिक वॉल। एंड यहाँ पे एक ब्लॉक ये वाला लगा देना है स्मूथ स्टोन स्लैब, उसके बाद ये वाला ब्लॉक लगाना है इसके ऊपर, ये इसके बाद ये स्मूथ स्टोन, इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे भी ये लगा देता हूँ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे ये स्मूथ स्टोन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये इसके ऊपर, यहाँ पे स्मूथ स्टोन, यहाँ पे ब्लॉक, उसके ऊपर ये, यहाँ पे स्मूथ स्टोन, यहाँ पे भी स्मूथ स्टोन, यहाँ पे ब्लॉक, उसके ऊपर ये, यहाँ पे स्मूथ स्टोन, यहाँ पे ब्लॉक, इसके ऊपर ये। अब आप लोगों को इसी तरीके की सारी साइडों से बाउंड्री कर देनी है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे इसकी बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या कर लेना, बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को नीचे आना है, जहाँ से भी आप लोग अपना मेन डोर बनाना है वहाँ से आप लोग अपना डोर बना लेना है। आप लोग क्या करना है, कोई भी दो मतलब बीच के पीस ढूंढना है यहाँ पे,
दो ब्लॉक ढूंढने हैं, कोई भी पीस बोल रहा हूँ, दो ब्लॉक ढूंढने हैं। जैसे मैंने दो ब्लॉक हैं सेंटर के अंदर के, तो क्या करना है आप लोग यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक्स तोड़ देने हैं इस तरीके से। ये दोनों ब्लॉक्स तोड़ने के बाद आप लोग क्या करना है इसके इस मतलब इस तरीके से इसके इधर भी और इस तरीके से इसके इधर भी आप लोग को दो दो ब्लॉक्स लगा देने हैं ये वाले। उसके बाद आप लोग क्या करना है एक स्टेयर इस तरफ लगानी है इसके डोर के ऊपर, एक स्टेयर इस तरफ लगानी है एंड एक स्टेयर ऐसे लगानी है, एक स्टेयर ऐसे लगानी है, तो इसका डोर इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग क्या करना है उसके बाद आप लोग क्या करना है आप लोग चाहेंगे यहाँ पे स्टोन ब्रिक स्टेयर और आप लोग चाहेंगे यहाँ पे नदर ब्रिक स्लैब। आप लोग क्या करना है कि एक ब्लॉक का गैप देखें आप लोग ये लगा देना, जैसा यहाँ पे लगाना है स्टोन ब्रिक स्लैब, यहाँ पे लगाइए नदर ये स्लैब, यहाँ पे भी लगाया स्लैब, उसके बाद लगाइए स्टेयर्स स्लैब स्टेयर्स स्लैब स्टेयर्स और यहाँ पे भी स्टेयर्स, फिर स्लैब फिर स्टेयर्स फिर स्लैब फिर स्टेयर्स फिर स्लैब फिर स्लैब फिर स्टेयर्स। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसकी सारी साइडों से कर देना है। तो ओके गाइस हमारा कासल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आप देख पर उस मैंने यहाँ पे नीचे के ब्लॉक्स लगाए हैं एंड यहाँ पे मैंने एक और चीज़ करी, मैंने क्या किया यहाँ पे अपने फ्लोर बना दिए अंदर, यहाँ पे इस ब्लॉक का फ्लोर बना दिया है। हमारा क्लास कासल के यहाँ सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा कासल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस मैंने एक चीज़ की यहाँ पे कि यहाँ से अंदर जाने का एक रास्ता बनाया है एंड यहाँ से मैंने स्टेयर्स लगा दी, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, लैडर्स लगाई हैं, यहाँ से हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं एंड यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से भी आके हम व्यू ले सकते हैं अच्छा खासा दूर दूर का। तो इतने ही थे कासल, अगर आप लोगों को कासल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर से बता देना। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।